और बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर पर फारूक अब्दुल्ला परिवार और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। दो दिन पहले फारूक ने कश्मीर की आजादी पर सवाल उठाए थे, अब उस बयान पर सैयद अली शाह गिलानी और उमर अब्दुल्ला में तकरार शुरू हो गई है। अब्दुल्ला तो ये कहता है कि आजादी का मामला ही नहीं, आजादी का मामला कुछ भी नहीं, हम लोग लैंड लॉक हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के इसी बयान पर बवाल मचा है। बयानबाजी ऐसी हो रही है कि सियासत करने वाले और सियासत से दूर रहने वाले भी ट्विटर पर आमने सामने हैं। आजाद कश्मीर के सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि कश्मीर दो ही है, एक पाकिस्तान के पास, दूसरा भारत के पास। आजादी की बात बेईमानी है। इस बयान पर हुर्रियत नेता भड़क गए हैं। सत्ता के लिए भूखे राजनेता हमेशा धोखेबाजी करते हैं। इन गैर जिम्मेदार और अदूरदर्शी लोगों ने हमेशा अपने स्वामी के हितों की सेवा की है। वे बेवकूफ हैं, विश्वासघाती राजनीति करते हैं। सैयद अली शाह गिलानी ने फारूक पर वार किया तो फारूक के बेटे उमर अब्दुल्ला ने पलटवार में देरी नहीं की। आपके प्रधानमंत्री के स्पष्ट बयान के आलोक में हुर्रियत नेताओं से एक सवाल है, पिछले 30 साल से किस बात का बवाल था? क्या आप पाकिस्तानी उच्चायोग का बहिष्कार करेंगे? दरअसल इस बवाल की शुरुआत हुई थी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी के उस बयान से, जिसमें उन्होंने आजाद कश्मीर की अवधारणा को खत्म करने की बात कही थी। शाहिद तो बयान देकर चुप हो गए, इधर हिंदुस्तान में हंगामा जारी है।